नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले अमेजोन से परचेज किया था। ये मैं इसको एक बार ओपन कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपके सामने इसको स्टार्टिंग से शुरू से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। मैंने इसको यूज़ नहीं किया था उस टाइम पर, तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं या कैसे यूज़ हो ये। और ये बेसिकली एक गैस स्टोव है, पोर्टेबल गैस स्टोव जैसा आपको उसमें दिख रहा होगा। एक ऐसी पैकिंग में आता है, ठीक है। और साथ में इसके आते कुछ बॉक्स भी होता है जो कि इसके अंदर वो गैस स्टोव, पोर्टेबल गैस स्टोव इसके अंदर भी होता है, ठीक है। इसके अंदर देख लेते हैं क्या गया है। इसके अंदर में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक ये मैनुअल है इसका, यूजर मैनुअल की कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है। इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस किस पॉइंट को आप किस किस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं आपको, जैसे कि इसमें बॉडी केस दिया हुआ है, ये टॉप प्लेट है, कार्ड ट्रे है, ये इसके बारे में बताया गया है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कि ब्यूटेन की गैस लगती है, इससे कि ये ऑन होता है। साथ में इसका एक ये बिल है, मैंने ये प्रोडक्ट 2600 रुपये का ख़रीदा है, इसमें कि शिपिंग चार्जेस भी इसमें ऐड हुए हैं जो कि 200 रुपये थे, ठीक है। वैसे ये 2400 रुपये का था, लेकिन इसमें 200 रुपये के शिपिंग चार्जेस भी लेते हैं, वो इस प्रोडक्ट के लिए लेते हैं, चाहे आप अमेजोन प्राइम के नंबर हो या नहीं हो, वो सबसे चार्ज करते हैं। इसे साइड में रखते हैं, ये इसके साथ में पार्टी में होता था जिसमें कि ये प्रोडक्ट आया था, ठीक है। ये एक बॉक्स आया है जिसमें ये हालांकि इतना मजबूत नहीं है प्लास्टिक, लेकिन फिर भी ये कैरी करने में आसान है इसके, ठीक है। इसको आप कैरी करके ले जा सकते हैं। इसमें इसके अंदर में वो आपका अपने डिवाइस है, ये जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा पिक्चर में, ये आपका इसके अंदर चूल्हा है, इसके अंदर में पोर्टेबल गैस स्टोव बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जैसे कैंपिंग वगैरह जो लोग कैंपिंग करते हैं या बोटिंग करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, फिशिंग करते हैं, हाइकिंग, बारबेक्यू या वर्क कुकिंग करते हैं, टेबल टॉप कुकिंग करते हैं ऐसे पहाड़ों में जाके कहीं भी, तो ये इजी टू मेंटेन है, इजी टू कैरी है। अगर आप गाड़ी में या कहीं दोस्तों के साथ कार में जा रहे हैं, तो आप इसको आसानी से अपने कार में रख के ले जा सकते हैं, जगह भी आपकी कम घेरेगा। और साथ में इसके ये बोतल साथ में लेके जाना मत भूलिएगा, ये ब्यूटेन की बोतल है, ठीक है, जो कि इसकी गैस है जिससे कि ये चलता है, ठीक है। तो ये इसको ओपन करते हैं, इसमें दो लॉक भी हुए हैं, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करके खोल जाएगा, ठीक है। ये इसको आप बाहर निकाल लीजिए, ये लोगों इतना प्यारा लुक लग रहा है इसका, ये इसका एक केस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप इसको कि यूज़ के बाद इसको आसानी से बंद कर सकते हैं और इसको रख सकते हैं, जिससे कि ये गंदा भी नहीं होगा, धूल भी नहीं चढ़ेगी इस पर गैस स्टोव पर, ठीक है। और इसको आसानी से कार में रख के, जैसे कि आप कहीं ग्रुप में जा रहे हैं, 3 से 4 लोग हैं, तो आप ये आसानी से इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इसका एक स्टैंड दिया हुआ है जिसके ऊपर आपको बर्तन रखने होते हैं, जिससे कि ये खाना बनाने के टाइम पे, येलो रंग मंगवाया था, जिसमें 2 रंग आते हैं, ब्लैक रंग आता है, कि ये येलो रंग आता है, तो मैंने एक इसमें मंगवा लिया था पीले रंग में, ठीक है। इसमें कुछ ये इसका कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे कैसे लगाना है। ये इसका मेन वो है जहाँ जिसमें से फ्लेम निकलती है, अच्छी क्वालिटी का है। और साथ में एक ये पॉइंट दिया हुआ है जिससे कि आप इसको LPG गैस पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको निकाल के मैं बताऊँगा आपको कैसे यूज़ करना है। इसको थोड़ा सा संभाल के रखिए, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे भी निकल जाता है और वैसे यहाँ पे लॉक से ये इससे डूब भी जाता है, तो गिरने का खतरा है, तो इसको आप संभाल के रखिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। जो इसका टीन यूज़ किया गया है, मतलब ये आयरन का है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन वेट बहुत कम है इसका। जैसे कि आप कहीं घूमने पिकनिक पे या गाड़ी में जाते हैं, तो आपको ऐसी ही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिसमें कि वेट कम हो, वजन कम हो, आप ज़्यादा उठा के नहीं चल सकते, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये सब यहाँ पे
ब्यूटेन का सिलेंडर लगता है, गैस वो कैन लगता है, जिसको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लगाना है, ठीक है। ये जैसे कि ब्यूटेन का कैन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक आपने देखा होगा कि कट दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक ये पॉइंट दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इन दोनों को मैच करते हुए ऐसे, ठीक है। करने के बाद में इसको, और बेसिकली मैं आपको एक बात बताना चाहिए, जब भी आप यहाँ पे सिलेंडर लगाओ तो ये अनलॉक होना चाहिए और ये ऑफ होना चाहिए। देखो आप इसको ध्यान से देखो कि ये ऑफ है, तो मतलब कि अभी इसका कोई खतरा नहीं है। इसको लगाने के बाद में क्या करना है, इसको अनलॉक को फ्यूल लॉक पे जाना है, इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। तो ये देखोगे आप सिलेंडर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, देखिए, ठीक है। अब ये लॉक लग गया, सिलेंडर अब हिल नहीं रहा है, ठीक है। और ये अभी ऑफ है, ठीक है, गैस नहीं। इसको फिर आप यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको बंद करने के बाद मैं ऐसे रखा, ठीक है। इसमें जो इसका ऊपर का ये लगाना रहेगा, ठीक है, इसको लगा लीजिए। तो ये पूरा आपका गैस स्टोव ऐसे तैयार हो गया, ठीक है। ये नीचे से ऐसा दिखता है, नीचे से ऐसा दिखता है, ठीक है। ये अच्छी, इसमें अच्छी लुक है इसकी, बहुत अच्छा प्यारा लगता है, ठीक है। इसको सिलेंडर लॉक हो गया। अब इसको चलाने का तरीका है, जैसे कि आप इसको घुमाओगे तो इसको आप नीचे लेके जाना है। इसमें ऑटोमेटिक लाइटर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल नीचे लेके जाए, ठीक है। आप देखोगे चल गया, ठीक है। इसकी आप फ्लेम को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसको ज़्यादा कम हो गई, अब ये ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये इसके ऊपर कुछ रखते हैं, देखते हैं कि कितनी जल्दी कुछ गर्म होगा इसमें। जैसे कि मैंने ये पानी गर्म कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। मैं इसकी लो को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखिए नीचे नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इस पर पानी गर्म कर रहा हूँ मैं। इस पर आप कुछ भी बना सकते हैं, और आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि जो भी आपका बर्तन हो वो इस एरिए से पीछे हो, मतलब कि यहाँ तक आए, क्योंकि ये यहाँ पे गैस का कैन लगा हुआ है कि अगर आप कुछ बर्तन थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रखोगे तो ये यहाँ पे हीट होने का खतरा है। तो गैस है यहाँ पे, इसको रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। तो आप कोशिश करिए जब आपका बर्तन हो वो सिर्फ यहीं तक ही आए, यहाँ तक ना पहुँचे वो, ठीक है। ये इजी, आप इजी कैरी कर सकते हैं। जैसे आप इंडक्शन लेते हैं उसमें इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अगर बिजली नहीं होती तो वो चलता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि ये साइज़ का बिल्कुल इंडक्शन के जैसा ही है, वेट बहुत कम है इंडक्शन से, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें छोटा सा गैस स्टोव लगता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप ये ले सकते हैं, इस ये गैस स्टोव आप अगर आप लोगे तो ये अलग से आप लोगे तो 150 रुपये का पड़ता है आपको, 150 रुपये के आसपास का, कम ज़्यादा भी रेट हो सकता है। लेकिन मैंने ये 150 रुपये का लिया था, 150 रुपये का। और अगर आप इसको लगातार फुल फ्लेम पर चलाते हो तो ये लगभग 2 से 2.5 घंटे चल जाता है, फुल फ्लेम पर, यानी कि फुल लो पे चलाओगे तो 2 से 2.5 घंटे चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे लॉक होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मेरी पानी गर्म हो जाने दीजिए, मैं बताता हूँ कि इसको कैसे निकालना कैसे है वापस, ठीक है। ये कैंपिंग के टाइम पे आप इसको ले जा सकते हैं, या दोस्तों के साथ में गाड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आराम से इस बॉक्स में आ जाता है, इस बॉक्स में आ जाता है और इसको ले जा सकते हैं। पानी गर्म हो गया, आपने आपको आवाज़ भी आ रही होगी पानी गर्म, ठीक है। ये मैं पानी को साइड में निकाल देता हूँ। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कुकर भी चढ़ा सकते हैं इस पर, यहाँ रख देता, ठीक है। इस पर आप इतने में कुकर भी चढ़ा सकते हैं, चावल बना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली कार वार में, अगर कार में जाते हैं तो आप इसको आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये लो चल रही है, आप उठा होगा आपको, तो इसको बंद कैसे करोगे, इसको आप ऑफ पे ले जाइए, ठीक है। ऑफ पे ले जाने के बाद में देखिए आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें भी यहाँ पे इनबिल्ट वाइट कलर का एक ये लाइटर लगा हुआ, जिससे कि ये डायरेक्ट इसमें मतलब कि आग पकड़ लेता है, इससे आग लग जाती है, इसमें ये फ्लेम चलने लगता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ इसका ब्यूटेन का सिलेंडर निकालना कैसे, इस
इसको आप खोलिएगा। अभी अगर आप इसको निकालोगे तो नहीं निकलेगा क्योंकि ये लॉक हो गया है, यहाँ पे कुछ सिस्टम दिया हो जिससे ये लॉक हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसी को ही ऊपर की तरफ करना है अनलॉक करने के लिए। जैसे अनलॉक करोगे तो देखिए ये सिलेंडर का निकल जाएगा, ये सिलेंडर आप गैस के अंदर आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको वापस बंद करके रख लीजिए ताकि गैस लीक ना हो किसी चीज़ के दबाव पड़ने से। इसका कैप लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, देखता हूँ कि गर्म है, गर्म है अभी, एक मिनट। इसको रिमूव करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर LPG सिलेंडर से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको बेसिकली कहाँ यूज होगा, ये आप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है जिसमें ये गैस कैन लगता है, इसमें ये एक ये पॉइंट भी लगता है जिससे कि देखो आप। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपको मतलब इस गैस स्टोव को आप अपने LPG गैस सिलेंडर से कैसे चला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डिवाइस देखो यहाँ पे लगी हुई थी, मैंने यहाँ से निकाली थी। इसको आपको कहाँ लगाना है, इसको आपको लगाना है यहाँ पे जहाँ पे आपने इसका ब्यूटेन का गैस का कैन लगाया है। ठीक है, इसको आपको यहाँ लगा के और थोड़ा सा टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद में फुल टाइट करना है इसको। ठीक है, टाइट करने के बाद में देखो ये फुल टाइट हो गया। अब आपको गैस का पाइप यहाँ से लेके आके आना है और इस पर जो आपका LPG का सिलेंडर होता है इस पर लगा दिया। लगाने के बाद में आपको जैसे आपने यूज़ किया था वैसे ही यूज़ करना है क्योंकि इसमें लॉक करने के लिए कुछ है नहीं। अब तो अब इस पर आप लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको ऑन करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऑन करने का तरीका आपको यही रहेगा। ठीक है, गैस लगाने के बाद में LPG गैस का पाइप लगाने के बाद में आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों चीज़ों से इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस गैस के कैन से, ब्यूटेन गैस के कैन से भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो। अगर आप घर में यूज़ कर रहे हो तो आप इसको नॉर्मल LPG सिलेंडर से भी यूज़ कर सकते हो। रहा मैं ये बताना रह गया था मेरा कि आप इसको दोबारा से डिसेंबल करके इसको इस बॉक्स में कैसे बंद करोगे। ठीक है, इस बॉक्स में कैसे बंद करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको निकाल के इसको उल्टा करके दोबारा इसको सही रख देना। ठीक है, रखने के बाद में आपको क्या करना है, ये इसका केस है, इस केस में इसको रख देना। रखने के बाद में ये ईजिली बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ लोग ये कुछ ना रख दिया। मैंने सीधा ही रखा, ये बंद ठीक है। बंद हो गया, बंद होने के बाद में आपको क्या करना है, इसको ऐसे लॉक लगा देना इसका, ऐसे करके ऐसे इधर से और ऐसे ही इधर से, तो अब ये खुलेगा नहीं। ठीक है, और अब ये आपका जो गैस स्टोव है इस नॉर्मल इस केस के अंदर में बंद हो गया है, जैसे ब्रीफ केस की तरह लगता है। ड्रिल वगैरह में ये मिलता है मोस्टली, लेकिन ये इस गैस स्टोव के साथ भी आता है। प्लास्टिक इतना मतलब कि हैवी नहीं है, लो वेट है, ज़्यादा इसका वेट भी ज़्यादा नहीं होगा। लगभग अगर देखा जाए इसका वेट मेंशन नहीं है, ये हंस कंपनी का है। ठीक है, ये मैं आपको बताना रह गया था, ये हंस कंपनी का मैंने लिया था। ठीक है, पुरानी कंपनी है इसकी, ये मोस्टली इन्हीं कैंपिंग की चीज़ों में ही ज़्यादातर डील करती है। तो इसका वेट के बारे में शायद इसमें लिखा हो, इसका वेट का वेट के बारे में कहीं पर नहीं बताया हुआ। ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा वेट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका वेट 2 kg के आसपास में भी होगा, 2 kg से भी कम होगा इसका वेट। ठीक है, इसका वेट कहीं पे लिखा नहीं हुआ, अगर कहीं पे लिखा मेरे को मिला तो मैं आपको चेक करके बता दूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।